इतना क्रिस्पी वेजिटेबल चॉप पहले खाया है कभी? भाई अल्टीमेट टेस्ट है इसका। ये मेरे होम टाउन सीकेपी का फेमस वेजिटेबल चॉप है। वैसे गूगल करके चेक कर लीजिए सीकेपी है कहाँ। एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे, जैसे ही गर्म हो जाए उसमें डालेंगे 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे और फिर डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा कप चॉप किए हुए बीन्स डालेंगे और साथ ही नमक डालेंगे। थोड़ा सा इसे भून लें और ढककर करीब 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक कर लेंगे। अब डालेंगे 1 कप कद्दूकस किया हुआ बीटरूट और 1 कप गाजर, साथ में डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब डालेंगे रोस्ट किए हुए थोड़े से मूंगफली। सब्जियों को सिर्फ 40 से 50% कुक करेंगे ताकि क्रंचीनेस बना रहे। अब एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 15 से 20 सेकंड ही इसे भूनना है और फिर डालेंगे मैश किए हुए बॉइल्ड आलू 4 से 5, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। आलू को मैश करते हुए इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। अब एक बोल में 2 चम्मच मैदा लेंगे, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। हाथों में ऑयल लगा ले ताकि ये चिपके ना। एक पोर्शन लेंगे आलू का, इसके अंदर बीटरूट वाली फिलिंग कर देंगे। अच्छे से सील करते हुए इसे एक शेप दे देंगे। सारे चॉप्स रेडी हैं। अब मैदा और ब्रेड क्रम से कोटिंग कर लेंगे। इसे ज्यादा क्रिस्पी करने के लिए मैं यहाँ 2 बार मैदा और ब्रेड क्रम से कोट करूंगी। थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे एक फाइनल शेप दे देंगे। अब इसे फ्रिज में रख के 30 मिनट सेट होने देंगे। बस अब क्या, तेल को अच्छे से गर्म कर लें और चॉप्स को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे और इंजॉय करें।